देखो जी, पार्टी तो अपना काम कर रही है, सिर्फ चुनाव लड़ना ही पार्टी काम नहीं है। जनता के हितों के लिए लड़ना, उनके मुद्दों पर आवाज़ उठाना, पूरे 5 साल संघर्ष करना, ये पार्टी काम है। जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगना है, पार्टी काम है। वो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी लंबे समय से कर रही है। रही बात चुनाव की, एक छल हो गया हमारे साथ, हमें ये एहसास था कि भाई हमें मिलकर लड़ के भाजपा को रोकना है, लेकिन जो भाजपा को रोकने की बात कर रहे हैं उन्होंने कुछ ऐसा काम करा नहीं और उन्होंने हमें जो है नुकसान पहुँचाने का काम करा। तो पूरी पार्टी को मिलकर पहले नगीना लड़ना पड़ा। अब पार्टी जो भी फैसला लेगी, कई सीटों पे पार्टी प्रत्याशी उतार रही है, पार्टी के अपने निर्णय हैं। मैं तो पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता होने का, जहाँ पार्टी ड्यूटी लगी वहाँ जाकर काम करूँगा। लेकिन नगीना जनता ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया, ऐसा विश्वास है कि नगीना बहुत अच्छे मार्जिन से आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी। कोरोना वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभाव के लेकर चर्चा बनी है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जी, पहले दिन से हम कह रहे थे कि मोदी जी सिर्फ प्रचार के लिए सारा काम कर रहे हैं, इसका नुकसान जनता को उठाना पड़ेगा। अब उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। मैं तो चाहता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान ले और स्वतः संज्ञान लेके इस पर कठोर कार्रवाई करे। अपराध करने वाले चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मैं हूँ, या कोई भी हो जो अपराध करेगा, जिसने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की है, जिसने अपने निजी स्वार्थ में लोगों को दुख से धोखा दिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद ने जमकर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले लोगों पर। उन्होंने कहा कि मेरे साथ छल हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, हमने नगीना में पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ा है। एक महीने बाद करीब मतदान अब हो चुका है, 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। आप सोच सकते हैं कि 20 दिन से के करीब होने को आए हैं, तो इन 20 दिनों के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी प्रतिक्रिया नगीना के चुनाव नतीजों को लेकर दी। उन्होंने कहा कि हम बड़े मार्जिन से नगीना जीतने जा रहे हैं, हम और भी बड़े मार्जिन से जीतते, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियाँ जो बीजेपी को रोकने का दावा कर रही है, लेकिन उन लोगों ने हमारे वोट काटे और हमें कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नगीना की जनता ने हमें प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, और इसी के बदौलत हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रतिक्रिया के अंदर कहा है। चंद्रशेखर आज़ाद मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और इस दौरान जब कार्यकर्ताओं से संबोधित करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी, तो मीडिया में बातचीत करने के दौरान चंद्रशेखर ने साफ कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो नगीना की सीट से आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव में विजेता होंगे, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाकी विपक्षी पार्टियों